हेलो एवरीवन, मैं हूं नेमत और आज की रेसिपी है लहसुन अदरक का पेस्ट। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, सभी लोग बनाते हैं, लेकिन आज आप इसे मेरे तरीके से बनाकर देखेंगे, जिससे आपको लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रखने से समय की बहुत बचत होगी और इस पेस्ट को बनाने में भी आपका बहुत कम समय लगेगा। ज़्यादातर लोग इसकी जड़ों को छीलकर इसकी पेस्ट बनाते हैं, लेकिन मैंने इसे छीला नहीं है, सिर्फ इसकी जड़ों को अलग कर लिया है। रेशियो इसका होगा, जितना लहसुन हमने लिया है उसकी आधी अदरक होगी, क्योंकि अदरक में बहुत तेज स्मेल होती है, तो आधा वजन रखने पर ही इसका पेस्ट अच्छा तैयार होता है। दो हरी मिर्चें हमने इसकी फ्रेशनेस के लिए इसमें मिलाई है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मिलाना जरूरी नहीं है, मगर आप अगर मिलाते हैं तो आपका पेस्ट ज्यादा बढ़िया तैयार होगा। हमने एक मिक्सी जार लिया है, ये बड़ा वाला पॉट है, तो इसमें सबसे पहले हम लहसुन को डाल देंगे। अब रुक रुक कर दो या तीन बार इसे घुमा देना है। अब आप इसमें गौर से देखें, आपने इसमें क्या देखा है? लहसुन के छिलके हल्के होते हैं, तो इसके ऊपर ये छिलका आप से आप ही आ जाता है, जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो मैं इसे हल्के हाथों से चुन लेती हूं। ये सिर्फ छिलका है, आप देख सकते हैं। इक्का दुक्का अगर लहसुन है तो उसे चुनकर आप फिर से मिक्सी पॉट में डाल दें। मैं आपके साथ दो ट्रिक भी शेयर करूंगी, एक तो ये कि इसकी स्मेल को कैसे ज्यादा दिनों तक बढ़िया और फ्रेश रखा जा सके, दूसरा ट्रिक ये है कि क्या ऐसा करें जिससे इसमें फफूंद ना लगे, कालिख इसमें ना आए और ज्यादा दिन तक वो सुरक्षित रहे, उसमें किसी तरह का फंगस ना लगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, ध्यान से देखें। देखिए इसमें कितना छिलका है जिसे मैं चुन चुन कर निकाल रही हूं। ये मेरे जैसे आसक्ति लोगों का तरीका है, मैं कुकिंग में शॉर्टकट्स ढूंढती रहती हूं और आपके साथ इसे शेयर करके मुझे बड़ा मजा आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि लहसुन बहुत हद तक साफ सुथरा हो चुका है और इसका छिलका निकल चुका है। अब यहाँ पर अदरक और मिर्चों को मैं इसमें शामिल करती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालते हुए इसकी पेस्ट बना लेना है। और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये कितना सारा छिलका चुन चुन कर निकल गया है। तो है ना, ये बहुत ही अच्छा सा शॉर्टकट, कम समय में छिलका चुन लेने का तरीका। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट कैसा तैयार हुआ है। देखिए इस तरह का पेस्ट तैयार हुआ है, आप इसके साइड को देखें। और इस तरह का पेस्ट बनाने के लिए मुझे इसमें 3 टेबल स्पून पानी डालना पड़ा है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में पेस्ट बना रहे हैं तो शायद इतना पानी भी ना डालना पड़े। तो अब इसे जिस बर्तन में स्टोर करना है उसमें हम निकाल लेंगे, मगर उससे पहले इसकी स्मेल को बहुत ही अच्छा बनाए रखने के लिए और लंबे समय तक इसे खुशबूदार रखने के लिए हम इसमें कुछ डालने वाले हैं। यहां पर हम 1 टेबल स्पून विनेगर डाल रहे हैं। विनेगर डालने से किसी चीज की भी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, अब ये जल्दी खराब नहीं होगा और इसका रंग और इसकी स्मेल ज्यों की त्यों रहेगी, चाहे आप ये 15-20 दिनों तक ही क्यों ना रखें। आप इसे आराम से फ्रिज के शेल्फ पर 15-20 दिनों तक तो आराम से
रख सकते हैं। तो अब इसे जिस बर्तन में स्टोर करना है उसमें मैं निकाल लूंगी। अब जिस डब्बे में मुझे लहसुन अदरक की पेस्ट निकालना है उस डब्बे को थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डालकर ग्रीस कर लें। ऐसा करने से आपका पेस्ट इसमें चिपकेगा नहीं और डिब्बा साफ सुथरा रहेगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे केक का टिन हम ग्रीस करते हैं। सारे पेस्ट को निकालकर इसमें दबा कर रख लेना है। इसी तरह से दबाकर इसको रखें कि इसमें हवा न रहे। अब जो मैंने कहा था कि इसे फफूंद से और फंगस से बचाने के लिए भी एक उपाय है, तो वो उपाय है, जी हाँ, ये एक टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल इसके ऊपर डाल दें, यही वो उपाय है। इस तरह से आपका लहसुन अदरक का पेस्ट सील हो जाएगा और इसके ऊपर कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगी। अब आप इसे आराम से अपने फ्रिज के रैक पर रख सकते हैं। इसमें एक ग्लेज भी रहेगा, इसका रंग भी खराब नहीं होगा और इसका स्मेल भी खराब नहीं होगा। और जब भी आपको ये पेस्ट निकालना हो तो आप किसी एक कोने से ही उसको निकालें, इस तरह से, चाहे जितना भी थोड़ा सा निकालना हो इतना सा भी निकालना हो, और जिस कोने से शुरुआत करें आप उसी कोने से बार बार निकालते जाएं, यहाँ तक के आप इसे ख़त्म कर लें। और जब थोड़ा मसाला निकाल लें इस तरह से, तो फिर आप उसको इस तरह से दबा दें ताकि फिर से तेल की जो कोटिंग है वो इसके सरफेस पर फैल जाए। दूसरी सबसे ख़ास बात यह है कि जब भी आप मसाला निकालने के लिए इस डिब्बे को फ्रिज से बाहर निकालें, फौरन मसाला निकाल कर और इसे फिर से डब्बे को बंद करके फौरन ही आप इसको फ्रिज में डाल दें। देर तक इस पेस्ट को फ्रिज के बाहर ना रखें। तो अगर इसे फ्रिज के रैक पर आप रखते हैं तो 15 से 20 दिन तक, क्या एक महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। और अगर 4-6 महीना रखना चाहते हैं तो आप इसकी छोटी छोटी ब्रिक बनाकर बटर पेपर में लपेट कर इसे फ्रीज़र में रखें। छोटी क्वांटिटी रखने से आपको आसानी होगी कि आप थोड़ा थोड़ा हिस्सा बार बार निकाल सकेंगे। अगर एक साथ आप इसे फ्रीज़र में डाल देंगे तो निकालने के बाद पटक पटक कर आपको इसे तोड़ कर निकालना होगा या बहुत देर तक इसे डिफ्रोस्ट करना होगा, जिससे आपका पेस्ट जो है वो बार बार ठंडा गर्म होने से ख़राब हो जाएगा। तो ये थी बहुत ही मामूली सी ट्रिक जिसे मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ और मुझे लगा कि हमारे व्यूअर्स को कुछ शायद इससे आराम मिले। तो चलिए फिर कोई ऐसी छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए हम इजाज़त दें, अपना स्वास्थ्य बनाए रखें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। तो हम इजाज़त दें, थैंक यू।